की है कि भाई वहाँ पे कोहरा पड़ रहा है, जबकि कोहरे का यहाँ नाम निशान नहीं है, तो वो किस तरह के झूठ बोल कर पब्लिक को 132 ट्रेनें रद्द कर दी कि कोहरा पड़ रहा है। जरा देखो दिल्ली के अंदर, वो देखो बिल्डिंग चमक रही है कि नहीं चमक रही है, कोई कोहरा नहीं है। मुझे लगता है सरकार की आंखों पर कोहरे की परत जम गई है, जो इन मजदूरों का सॉरी इन कर्मचारियों का दर्द नहीं देख पा रही है। अगर दर्द देख पाती तो वो बोलती कि हाँ भाई तुम्हारे कंट्रीब्यूशन का पैसा है, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा हिस्सा है, हम क्यों उस पर कुंडली मार कर बैठे हैं, हम इसको ऐसा ही देंगे, बढ़ाकर देंगे, और तुम 7,500 मांगते हो, हम 15,000 देंगे। जब सरकार ये बोले तब ताली बजाने वाली बात होती है, अगर ये नहीं बोलती सरकार तो सरकार से। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान, और उस किसान को मजबूत करने के लिए, उस किसान के साथ खड़े होने के लिए, उस किसान की उपज को बढ़ाने के लिए, उस किसान के काम को आसान करने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? उस किसान को आसान करने के लिए चाहिए होता है ट्रैक्टर। और वो ट्रैक्टर कहाँ बनता है? वो एक ऐसी कंपनी में बनता है, बहुत सारी कंपनियां हैं लेकिन एस्कॉर्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा। और उस ट्रैक्टर को बनाने वाले, उस किसान जिस ट्रैक्टर को बनाते हैं या जिस ट्रैक्टर को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो लोग आज हमारे साथ हैं जो पूर्व कर्मचारी हैं। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ईपीएस 95 में जो लुभावने वादे किए गए थे, हमने कंट्रीब्यूशन किया अपना, लेकिन आज ये हालात है कि हमने पूरे देश की उपज बढ़ा दी, देश को आत्मनिर्भर कर दिया, किसानों के लिए ट्रैक्टर बनाए, और आज हमारे जिंदगी का ट्रैक्टर चल रहा है तो ऐसे अटक अटक कर चल रहा है कि हम अब बुढ़ापे में पेंशन के सारे जिए तो कैसे जिए। ये कह रहे हैं कि मोदी जी, ये कह रहे हैं कि कैबिनेट, अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो उसी ट्रैक्टर से आपकी सत्ता की जड़ें खोद देंगे। ये उस तरह के लोग हैं। सर एस्कॉर्ट का नाम तो बहुत मशहूर है। हाँ जी, हाँ जी। और आप तो कहते हैं कि आपका ट्रैक्टर जड़ें खोद देता है। हाँ जी, क्या लगता है सरकार की जड़ें खुद जाएंगे अगर काम नहीं किया तो? नहीं जी, हम तो मोदी जी के वैसे साथ हैं, पर हम ये चाहते हैं कि मोदी जी हमारा ये भी काम कर दे। देखिए ये तो साथ है, ये तो साथ है। मोदी के साथ रहने से फायदा नहीं है, जब तक मजदूर को कोई फायदा नहीं होगा और उनकी पेंशन नहीं बढ़ाई जाएगी, जब तक ये मजदूर ऐसे ही अड़ा रहेगा। और अपने आधे आधे मन से कोई लड़ाई होती है क्या? आधे मन से कभी लड़ाई होनी? हाँ जी, आधे मन से लड़ाई होती है। ऑल एस्कॉर्ट के कर्मचारी है, रिटायर्ड कर्मचारी, ईपीएस 95 पेंशनर, 95 में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी, उसमें हम लोगों ने अपना अंशदान दिया, तो लास्ट मोमेंट हमारा 1,250 रुपया अंशदान किया है, जो आज भी वो लाखों रुपया जमा है। तो हम लोगों ने मोदी से, हमारी एनएससी की नेशनल एजुकेशन कमेटी की जो हमारी टीम है कमांडर राउत के अंडर, वो प्रधानमंत्री के साथ दो बार ही मीटिंग कर चुकी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री सीतारमन से सब मीटिंग हो गई है, और एक आश्वासन मिला। और आश्वासन क्या? आश्वासन तो लगातार मिल रहा है, झूठा लगातार मिल रहा है, झूठा आश्वासन 7 साल से मिल रहा है। आज मजदूरों सारे एक इकट्ठे हो गए हैं और सबने मन बना लिया है, जो ओ भाई जो हमारा साथ देगा, जो हमें पेंशन देगा, वही देश में राज करेगा। ये आप एक चीज मान के चलो, जब विधानसभा का जो रिजल्ट आता है ना, लोकसभा का रिजल्ट हमेशा उसके उल्टा आता है। अच्छा, ये सीधा सीधा संकेत दे रहे हैं, ये तो सीधा सीधा बोल रहे हैं, आप थोड़ा झिझक रहे हैं, क्या करें? ये एमपी एमएलओ को अभी एकदम से 3-3, 4-4 पेंशन दे रहे हैं, और वो भी लाखों में, और हमारी 1,000 तक नहीं दे पा रही है। किसी को 700 मिली, किसी को 800 मिल रही है, किस तरीके से काम चलेगा देश का? हमने 35 साल काम किया यहाँ एस्कॉर्ट में, हमने सारी जिंदगी इसमें लगा दी। और किसानों की जिंदगी बेहतर करी एस्कॉर्ट ने? एस्कॉर्ट ने इतनी बेहतर करी है कि ट्रैक्टर बना बना कर खेतों में दिए हैं। उन्हीं क्या करते हैं, उन्हीं ट्रैक्टरों से सरकार की जड़ें खोद देंगे, इनको खोद देंगे, इनके जहां तक ऑफिस तक खोद कर रख देंगे, हम खोद के रख देंगे। सीधा सीधा कह रहे हैं। हाँ, क्या कहेंगे? कौन बोलना चाहेगा? हाँ जी, क्या कहेंगे? कोर्ट से भी हम केस जीते हैं, हायर पेंशन का मामला है, उसको भी लटकाए रखी है। और अभी ये मिनिमम पेंशन हमारी 7,500 की जो डिमांड है, 4 डिमांड है हमारी, 3-4 तो डिमांड है, साफ साफ लिखा हुआ 7,500 भत्ता, पत्नी पति पत्नी को चिकित्सा, ये तो बड़ी। आज सरकारी कर्मचारी है ना, जो एक जब उसकी आखिरी तनख्वाह 40,000 थी तो 50% उनकी पेंशन लगती है, 20,000, आज उनकी पेंशन 50,000 क्रॉस कर गई है। क्यों? क्योंकि महंगाई भत्ता है।
हमने अपना अंशदान दिया, अपना पैसा दिया है, उसके बावजूद भी आज हम सरकार के आगे हाथ फैलाए। अरे बतेरी योजनाएं हैं दिल्ली सरकार की, ढाई ढाई हजार दो दो हजार पेंशन दे देते हैं, ढाई ढाई हजार दे देते हैं पेंशन। दिल्ली सरकार का भरोसा नहीं है? देखो दिल्ली सरकार तो बेईमानी पर उतर रही है सारी, लेकिन प्राइवेट कर्मचारियों का जो इतने दिनों से जो है जिन्होंने पूरा अंशदान दिया है, 40-40 साल की सर्विस, 35 साल की सर्विस करके, कितना अंशदान होगा लगभग कितना अंशदान दिया होगा जीवन में? मैं मदर डेयरी में मैंने 40 साल नौकरी की है। मदर डेयरी वाले भी आ गए, लो जी दूध वाले भी आ गए, ट्रैक्टर वाले भी आ गए, सब आ गए भाई। 40 साल सर्विस की है, 40 साल सर्विस की है, आज मेरी पेंशन है 2,374। अब आप ये बताइए 2,000 में क्या बनता है आज के दिन? 2,000 रुपए ऊँट के मुंह में जीरा है, ऊँट के मुंह में जीरा है, कुछ भी नहीं है, ऊँट के मुंह में जीरा है, बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरे के उससे भी कम मांग रहे हैं। पेंशन बढ़नी चाहिए गरीबों के लिए, बहुत परेशान है लोग। नहीं नहीं वैसे साहब, लेकिन मोदी से रिक्वेस्ट है हमारी कि जो मजदूर इकट्ठा हुआ, रिक्वेस्ट से काम चलेगा, उनको पैसे मिल रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को पैसे मिल रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट से कुछ नहीं है, वही राज करेगा, जो पेंशन देगा वही राज, जो पेंशन देगा वही राज करेगा। क्या इस बात पे खड़े हैं? हम तो ये कहते हैं कि अगर इन्होंने हमारे यहाँ पेंशन नहीं बढ़ाई, हम अगली बार जो है 24वें वोट आ रहा है, हम एक भी वोट इनको नहीं देंगे, चाहे हमारे को अपोजिशन पार्टी में देना पड़े। साफ साफ कह रहे हैं कि वोट नहीं देंगे, आप क्या कह रहे हैं? नो पेंशन, आप नहीं कहोगे नो पेंशन नो वोट, नो पेंशन नो वोट। आज हमारा लाखों रुपया जमा है, हमारा अंशदान, हम वोट नहीं देंगे, हमारी पेंशन लागू की जाए। जब तक के हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम यहाँ से जाके जंतर मंतर पे जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, ये भी बात हो रही है कि जंतर मंतर पर आमरण अनशन होगा, इजाजत नहीं है साहब आमरण अनशन की। मजदूरों के साथ है हम, कोई ऐसी बात ही जैसे मजदूरों के साथ है। आज घोषणा अगर प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं लाखों आदमी के बीच में, तो 8 तारीख से आमरण अनशन पर बैठेंगे, जब तक वो घोषणा नहीं करेंगे चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, इस ऐलान है बहुत हो चुका है इनका, बहुत हो चुका, आश्वासन मृत्यु हो जाए ये तक बातें हो रही हैं। क्या लग रहा है? हाँ कुछ कहेंगे सर? नहीं पेंशन मिलनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। नो पेंशन नो वोट, सीधा सीधा आवाज आ रही है कि नो पेंशन नो वोट। पेंशन तो मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से मिल रही है वो, अरे एक मेरी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को न्यूज पे चलाएं तब मजा है, क्योंकि सारे मोदी के चैनल हैं, मोदी के चैनल नहीं है, सब चैनल दबाए जाते हैं, आवाज दबाई जाती है मजदूर की। ये मिनी संसद और दबंग दिल्ली आवाज नहीं दबाता, ये दबा जाओ पेंशन का राज, आवाज नहीं दबाते। जो पेंशन का काम करेगा वही सरकार काम करेगी, वो राज करेगी। कौन बनाता हिंदुस्तान भारत का? गवर्नमेंट ने 132 ट्रेनें आज के लिए रद्द की हैं, कि भाई वहाँ पे कोहरा पड़ रहा है, जबकि कोहरे का यहाँ नाम निशान नहीं है, तो वो किस तरह के झूठ बोल कर पब्लिक? 132 ट्रेनें रद्द कर दी कि कोहरा पड़ रहा है, जरा देखो दिल्ली के अंदर, वो देखो बिल्डिंग चमक रही है कि नहीं चमक रही है, कोई कोहरा नहीं है। मुझे लगता है सरकार की आंखों पर कोहरे की परत जम गई है, जो इन मजदूरों का सॉरी इन कर्मचारियों का दर्द नहीं देख पा रही है। अगर दर्द देख पाती तो वो बोलती कि हाँ भाई तुम्हारे कंट्रीब्यूशन का पैसा है, तुम्हारा हिस्सा है, हम क्यों उस पर कुंडली मारकर बैठे हैं, हम इसको ऐसा ही देंगे, बढ़ाकर देंगे, और तुम 7,500 मांगते हो, हम 15,000 देंगे। जब सरकार ये बोले तब ताली बजाने वाली बात होती है, अगर ये नहीं बोलती सरकार तो सरकार से कहो कि तुम अपने घर जाओ। और आज एक पुलिस का कुत्ता रिटायर होता है ना, तो 3,000 उसको मिलती है पेंशन, पुलिस के कुत्ते को 3,000, और 7,000 उसका रहन सहन खान पीने का, 70,000 करोड़ अनक्लेम्ड अमाउंट है, 70,000 करोड़ अनक्लेम्ड। अच्छा लोग तो बुजुर्ग हैं, कुछ लोगों की जान भी चली जाती होगी, बेचारे वो तो तरस जाएंगे पेंशन। मथुरा एक मिनट, मथुरा की सांसद हेमा मालिनी से 2 बारी मीटिंग हो चुकी है, आश्वासन ही आश्वासन और कुछ नहीं किया उन्होंने। तारीख पे तारीख और तारीख सिर्फ मिलती है, तो तारीख मिलती है और आश्वासन मिलता है, लेकिन जो हमारे हिस्से की पेंशन है कर्मचारियों के, पूर्व कर्मचारियों के हिस्से की,
वो अब तक वो देख रहे हैं, बाट जो रहे हैं कि हाँ इस महंगाई के दौर में कुछ हमारा भी सम्मान हो, हमें भी कुछ मिले। और इसीलिए आज रामलीला ग्राउंड को भर दिया है, मैं दिखाऊंगा विजुअल्स दिखाइए। और अगर ऐसा ही लगा तो मुझे लगता है कि सरकार को कहीं ना को चने ना चबाने पड़ जाएं इस 2024 में, सरकार के कहीं माथे पर सिकन ना आ जाए, कहीं उनकी जो कुर्सी है।